चांदनी रात में कहां जाऊं मैं, यहां तो दिन के उजाले में जानवर घूमते हैं। मैं बात कर रही हूं कोलकाता के उस जानवर सिविक वॉलेंटियर की जिसने बेचारी जूनियर महिला डॉक्टर को रेप के बाद इतनी गंदी मौत दी। सोचिए, वो अपने ही वर्कप्लेस में सेफ नहीं थी, यानी अपने ही ऑफिस में जहां वो काम करती थी। नाइट शिफ्ट करने के दौरान उसे इतनी घिनौनी मौत दी जाएगी जिसका उसे अंदाजा तक नहीं था। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 9 अगस्त को महिला जूनियर डॉक्टर का शव खून से लथपथ सेमिनार हॉल से बरामद हुआ था। इस मामले में कई बड़े खुलासे हो रहे हैं, लेकिन गुत्थी अभी भी सुलझ नहीं पाई है। पहले कहा गया कि लेडी डॉक्टर ने सुसाइड किया है, लेकिन बाद में सामने आया कि डॉक्टर के साथ रेप हुआ था और फिर उसकी हत्या की गई। इस मामले में आरोपी सिविक वॉलंटियर संजय रॉय को अरेस्ट कर लिया गया है। इस घटना के बाद देश भर के रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए। हालांकि उनकी मांग को मानते हुए जब प्रिंसिपल और सुपरिटेंडेंट को हटा दिया गया और मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। इस घटना को लेकर डॉक्टर के पड़ोसी ने एक मीडिया चैनल से खास बातचीत करते हुए जो कुछ बताया उसे सुनकर रूह कांप जाएगी। उन्होंने बताया कि मृतक ट्रेनी डॉक्टर की माँ पिता और सहयोगी के साथ जब हम अस्पताल आए तो वहां हमें 3 घंटे खड़ा रखा। पेरेंट्स हाथ जोड़ते रहे कि हमें एक बार बेटी को दिखाओ, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने हमारी बात नहीं मानी। बाद में जब डॉक्टर के पिता मृतक बेटी की फोटो खींच कर लाए तो उसमें देखा कि उसके मुंह से खून निकल रहा था, चश्मे को कूचा गया था, शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिले हुए थे जो कि पेल्विक गर्डल के टूटने के बाद ही संभव है। यही नहीं, करीब 10:30 बजे मेरी पड़ोसी यानी मृतक की माँ चीखते बिलखते और रोते हुए मुझसे लिपटती है और कहती है कि सब कुछ खत्म हो गया। मैंने कहा क्या हो गया? उसने कहा कि मेरी लड़की ने सुसाइड कर लिया है, ये खबर आई है हॉस्पिटल से। मैंने पूछा सुसाइड कब कैसे? उसने कहा कि उन्होंने यही बोला है, हम 4 लोग, मैं लड़की के माता पिता और हमारे एक और साथी अस्पताल पहुंचे, वहां हमको 3 घंटे तक खड़े रखा। बात यही नहीं रुकी, बेटी की तो मौत हुई लेकिन उसके माता पिता के साथ भी कम अत्याचार नहीं हुआ, माँ बाप को 3 घंटे तक खड़ा करके रखा गया। दरअसल पड़ोसी का ये भी कहना है कि एक माँ बाप जिनकी 31 साल की बेटी ऐसे खत्म हो जाती है, उन्हें 3 घंटे तक खड़ा रखा गया। माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ, हमको नहीं दिखाया गया। 3 घंटे बाद माता पिता को सेमिनार हॉल में ले जाया गया। पिता ने अपने मोबाइल फोन में फोटो खींच कर लाके मुझे दिखाया। ये सब पीड़िता की पड़ोसी ने बयान दिया है कि जूनियर डॉक्टर की मौत होने के बाद जब माता पिता वहां पहुंचे तो उनके साथ क्या कुछ हुआ। अब इस पूरे मामले में सवाल खड़ा होता है कि क्या इसके पीछे प्रशासन की बड़ी लापरवाही है या नहीं। आप क्या सोचते हो, नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। मैं थी आपके साथ वंशा सिंह और आप देख रहे हैं ABP लाइव।